भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी का आज 53वां जन्मदिन है। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से नफरत मिटाने, महंगाई से मुक्ति और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की, उसी तरह आज उनके जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने 53 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी की। साथ ही यह संकल्प लिया है कि गांधीवादी तरीके से देश में सद्भाव की भावना को मजबूत करने के राहुल गांधी के संकल्प को पूरा करते हुए 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी का 53वां जन्मदिन है और जन्मदिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं। इस संकल्प के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की और नफरत, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध जो देश के लोगों के करोड़ों लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, उसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। वो जो लड़ाई है उसको जारी रखते हुए हम लोग राहुल जी जैसा चाहते हैं कि देश में हो उसको करने के लिए घर घर तक उनकी उनका जो संदेश है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश को एकजुट होने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास किया है, उस प्रयास को सफलीभूत करते हुए 2024 में हम आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।